साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बड़ी राहत मिली है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने चुनाव लड़ने से रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है। मुंबई की एनआईए कोर्ट में सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि दायर याचिका में शिकायतकर्ता ने अपना हस्ताक्षर ही नहीं किया है। शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा साध्वी प्रज्ञा को स्वास्थ्य के आधार पर जमानत दी गई है, लेकिन वो टीवी पर इंटरव्यू देते दिखाई दे रही है। साध्वी ने एक इंटरव्यू में अपने इलाज के बारे में भी दावा किया है। इस पर साध्वी के वकील जेपी मिश्रा ने कहा उनकी मुवक्किल इलाज करा रही है, उनकी स्थिति में सुधार हुआ है, एक डॉक्टर हमेशा उनके साथ रहता है, वो विचारधारा और देश के आधार पर चुनाव लड़ रही हैं, वो साबित करना चाहती हैं कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है और यही कारण है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि मालेगांव बम धमाके के एक पीड़िता के पिता ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की थी। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख और समाज सेविका मेधा पाटकर ने चुनाव को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। मेधा पाटकर का कहना है कि जिस तरह से देश में धर्म और जाति